जी, तो हम पढ़ रहे थे समरी ऑफ ओरेकल डेटाबेस फीचर्स, जिसमें हमने डेटाबेस प्रोग्रामिंग को कवर कर लिया है। इसके अलावा हमने पढ़ा डेटाबेस एक्सटेंसिबिलिटी को। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेटाबेस फीचर्स में डेटाबेस कनेक्शन फीचर्स को। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला फीचर है वो है जी ओरेकल नेट सर्विसेज। अगर हम कनेक्शन सर्विसेज में देखें तो आपके पास पहला है ओरेकल नेट सर्विसेज प्रोवाइड्स आ स्केलेबल। ओरेकल नेट सर्विसेज में हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं? प्रोवाइड्स अ स्केलेबल सिक्योर एंड ईजी टू यूज़ हाई अवेलेबिलिटी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ओरेकल इन्वायरमेंट। बेसिकली ओरेकल डेटाबेस के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। जितना भी ओरेकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस सब की मैनेजमेंट के लिए ओरेकल की कुछ नेट सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो कि हमें स्केलेबल सिक्योर और हाई अवेलेबिलिटी नेटवर्क जो है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो फैसिलिटी है वो है ओरेकल इंटरनेट डायरेक्टरी ओआईडी, जिसको कहते हैं एलडीएपी लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल बेस्ड डायरेक्टरी सर्विसेज। बेसिकली ये एक तरह का हम इसे डैशबोर्ड कह सकते हैं ओआईडी को। यहाँ पे भी हम ओरेकल की सर्विसेज को मैनेज करते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपके पास है ओरेकल कनेक्शन मैनेजर, जिसको आप CMAN भी बोलते हैं। ये एक तरह का इंटरमीडिएटर है, एन इंटरमीडिएट सर्वर दैट फॉरवर्ड्स कनेक्शन रिक्वेस्ट टू डेटाबेस सर्वर्स आर टू अदर प्रॉक्सी सर्विसेज, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ओरेकल नेट क्लाइंट नेटवर्क कनेक्शंस टू डेटाबेस थ्रू द यूज ऑफ कंसंट्रेटर्स, जिनको हम डेटाबेस सर्वर्स बोलते हैं, विच प्रोवाइड कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल कनेक्शंस ओवर आ सिंगल नेटवर्क कनेक्शन। डेटाबेस सर्वर में आपको पता है आप एक सिंगल नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट करते हो, जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट हैं वो आपके कनेक्शन मैनेजर से होते हुए जो है वो डेटाबेस सर्वर के पास जाती हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, ओरेकल कनेक्शन मैनेजर में हमारा जो सेंट्रल डेटाबेस सर्वर होता है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जाता, तो इन बिटवीन जो है वो एक कनेक्शन मैनेजर काम करता है, जिसको आप बोलते हैं ओरेकल कनेक्शन मैनेजर। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो यूज़र के कनेक्शंस होते हैं वो कनेक्शन मैनेजर की तरफ जाते हैं, फिर कनेक्शन मैनेजर जो है उनको चेक करता है, उनको वैलिडेट करता है। अगर तो वैलिडेशन पास होती है तो उनको मेन सर्वर के पास भेजा जाता है, अदरवाइज़ वहीं से रिक्वेस्ट को जो है वो ड्रॉप कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी डायग्राम। अब अगर इसकी आप डायग्राम देखें तो आपके पास क्या है, एक डेटाबेस सर्वर है जिसको आप कंसंट्रेटर्स कह रहे हैं लास्ट स्लाइड में। कुछ आपके पास डेटाबेस सर्वर है, इस तरह से दो कनेक्शन मैनेजर्स लगे हैं। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो मल्टीपल क्लाइंट्स जो है वो अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट जो है कनेक्शन मैनेजर को भेजता है, यहाँ पर जो है वो कनेक्शन मैनेजर जो है कनेक्शन को चेक करता है, अगर तो कनेक्शन पास होता है बिल्डअप होता है तो वो रिक्वेस्ट डेटाबेस सर्वर के पास जो है वो भेजी जाती है, अदरवाइज़ अगर आपकी कनेक्शन मैनेजर आपका जो कनेक्शन चेक करेगा अगर वो फेल होता है तो वहीं से रिक्वेस्ट को जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास द रोल ऑफ ओरेकल फ्यूजन मिडलवेयर। अब ये आपके सेम लाइक जो है हमने पीछे कनेक्शन मैनेजर पढ़ा है, ये उसी तरह से ही काम करता है आपका जो ओरेकल फ्यूजन मिडलवेयर है। The growing popularity of internet has led to a change in deployment from client server to a three-tier architecture. ये आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लाइंट सर्वर क्या होता है, जिस तरह मैंने डायग्राम की बात की कि क्लाइंट जो है वो अपनी रिक्वेस्ट कनेक्शन मैनेजर के थ्रू डायरेक्टली जो है वो डेटाबेस सर्वर पे भेजते हैं, और इस तरह से क्लाइंट सर्वर से हमने मूव किया थ्री टायर आर्किटेक्चर पे। थ्री टायर आर्किटेक्चर पे हमने क्यों मूव किया, क्योंकि हमारी कंप्यूटिंग की एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपको पता है विद द टेक्नोलॉजी हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। तो उसके बाद हम थ्री टायर आर्किटेक्चर पे मूव किया, जिसमें आपने पढ़ा होगा जो है एंड यूज़र्स होते हैं, लॉजिकल डाटाबेस होती है, फिज़िकल डाटाबेस होती है, और इसी तरह से जो है नीचे जो सबसे नीचे हैं आपकी बॉटम लेयर्स वो आपकी हार्ड डिस्क पे जो है वो हार्ड डिस्क पे मुश्तमिल होती हैं। अब अगर मैं मिडलवेयर की बात करूँ, सिंपल मिडलवेयर क्या है आपका, मिडलवेयर जो है वो कनेक्शन सेम कनेक्शन मैनेजर की तरह ही काम करते हैं।
ये मिडल मैन की तरह काम करता है। तो जितनी भी क्यूरीज आती हैं लाइक जैसे हमने मूव किया 2 टायर से 3 टायर आर्किटेक्चर की जानब, ओरेकल का ये एक फीचर है या इसको हम मिडल वेयर कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जी ओरेकल फ्यूजन मिडल वेयर। तो वो रिक्वेस्ट क्या करेगी, पहले इसके पास जाएगी, वेब लॉजिक के पास। सेकंड नंबर पे अगर आप देखें, ओरेकल वेब लॉजिक सर्वर इनेबल्स डिप्लॉयमेंट ऑफ द मिडल टायर इन अ 3 टायर सॉल्यूशन फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशंस एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या होगा, आपके पास सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो आपके वेब लॉजिक के पास जाएगी। लाइक अगर हम फ्रंट एंड की बात करते हैं, तो यूज़र वेबसाइट पे जाता है और उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करवाता है, तो वो क्यूरी जाती है उसके वेब लॉजिक सर्वर के पास, वो वहाँ उसको हैंडल करता है। अगर तो उसको ज़रूरत पड़ती है कि क्यूरी आगे डेटाबेस के पास मूव करेगी या उसको तो वो उसको नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देगा, अदरवाइज जो है उसको वहीं से रिस्पॉन्ड कर दिया जाता है। ओरेकल वेब लॉजिक सर्वर इज़ अ की पार्ट ऑफ ओरेकल फ्यूजन मिडलवेयर। जो ओरेकल वेब लॉजिक सर्वर है ये एक आपका जो है की पार्ट है ओरेकल फ्यूजन मिडलवेयर का। अदर फ्यूजन मिडलवेयर कंपोनेंट्स एड्रेस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इसमें हम जो है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को भी ये एड्रेस करता है। इसके अलावा डाटा इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो ये भी ओरेकल मिडलवेयर फ्यूजन हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें, इसके अलावा जो है ये बिज़नेस इंटेलिजेंट को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो है ये आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा लास्ट वन पे है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स के लिए भी। इसके बाद है जी हमारे पास समरी ऑफ ओरेकल डेटाबेस फीचर्स, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस लेक्चर 2 में हमने कंप्लीट किया, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में हम क्या करते हैं, डेटाबेस को हम डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर। अब इसके हवाले से जितनी भी जो ओरेकल है डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरीज और जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो परफॉर्म करवाता है, आपके डाटा को रिट्रीव कराता है फ्रॉम मल्टीपल डेटाबेसेस, जो कि अभी हम प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं कि जितनी भी आपकी मल्टीपल साइट्स पे आपका डेटाबेस सेव है, तो उन मल्टीपल डेटाबेसेस से डाटा को रिट्रीव करने के लिए, ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करवाने के लिए, ये जितनी भी आपने क्यूरीज पुट करवानी है, ये ओरेकल हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसके बाद है जी हेट्रोजीनियस सर्वर्स। अब ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने जहन में रखना है। एक होता है जी आपके पास होमोजीनियस सिस्टम और एक होता है आपके पास हेट्रोजीनियस सिस्टम। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का एक जो है कॉन्सेप्ट है। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब होमोजीनियस सिस्टम का मतलब ये है कि तमाम जितने भी डेटाबेसेस हैं जो जितने भी साइट्स वर्क कर रही हैं उन वो जो है वो सेम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही हैं। होमो मींस सेम और हेट्रो का मतलब होता है कि जो है वो डिफरेंट डेटाबेसेस को यूज़ करते हुए, लाइक अगर कोई एसक्यूएल यूज़ कर रहा है तो दूसरा जो है वो आपका ओरेकल को यूज़ करेगा। इस तरह से ये होता है हेट्रोजीनियस सर्विसेज। तो जितनी भी आपकी हेट्रोजीनियस सर्विसेज हैं वो आपका ओरेकल आपको फीचर प्रोवाइड करता है। allows non-oracle data and services to be accessed from an oracle database through generic connectivity। इसके बाद है जी आपके पास data movement के features, मतलब आपने जो है data को move करना है from one place to another place, तो उसका भी feature हमें provide करता है oracle database। Transportable table spaces move our copy table space from one database to another। अब basically database के अंदर जो actually हमारा data होता है, like हम एक table को create करते हैं, उसमें data insert करते जाते हैं, उसको manage करते जाते हैं, तो वो database basically जो है वो table spaces में जाके store होती है। ठीक है जी, जो हम डेटा स्टोर करवा रहे हैं वो डेटाबेस हमारी टेबल स्पेसेस में जाके स्टोर होगी। तो अब हम इन टेबल स्पेसेस को एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस में मूव करवा सकते हैं, ये फीचर हमें प्रोवाइड करता है ओरेकल। इसके बाद है जी एडवांस क्यूइंग एंड ओरेकल स्ट्रीम्स uses to asynchronously send messages from one Oracle database to another database। अगर हम इसमें वो ये सिंपल कहता है कि अगर हम डेटाबेस अगर डेटाबेस सर्वर ने आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, आपस में कम्युनिकेशन करनी है,
तो ओरेकल जो है ये हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, ये हमें फीचर प्रोवाइड करता है कि आप इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मींस के अपने डेटाबेस के अंदर।